मैं इसे एक्स्ट्रा में समझ रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी। अब मान लो हम एक ब्रैकेट डालते हैं, अभी भी लोग क्या कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं बीच में सोच रहा था कि कोई टॉपिक नहीं लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ब्रैकेट डाल रहे हैं, छोटा ब्रैकेट यहाँ डाल दिया, वीडियो ऑफ रखेंगे आप। ये सर आपका वीडियो चालू है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमने कोई ब्रैकेट डाल दिया और ब्रैकेट पिन पॉइंट है, मार्केट वहां ठहर नहीं सकता, नहीं सकता, या तो मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, ये एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से नहीं करेंगे। अब मान लो इधर से एक ब्रेकआउट आ रहा है और उसके बाद मार्केट इस जोन को तोड़ रहा है और मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे। मैंने अब इस जगह एक ब्रेकेट डाला, मार्केट यहाँ ठहर नहीं सकता, ठीक है, और ये इवेंट का डे है, तो ये ब्रेकेट मुझे क्या करेगा, एक छोटा लॉस देके या तो ऊपर निकल जाएगा या मुझे बड़ा प्रॉफिट देगा। अब मैं डायरेक्शनली ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसे पॉइंट पे ट्रेड कर रहा हूँ जहां मार्केट नहीं ठहरे, और ब्रेकेट डाल रहा हूँ एक लॉजिकल प्लेस पे, एक साइकोलॉजी स्टडी करने के बाद में, डायरेक्टली नहीं डाल रहा, तो मैं उसके पीछे कई साइन लगाता हूँ। जैसे आज भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें चेंजिंग मार्केट के रिगार्डिंग डाला, और उसमें कई साइन बताए गए थे कि मार्केट चेंजिंग का है, जैसे ये भी एक मार्केट चेंजिंग का ही है। अगर मैं यहाँ एक ब्रेकेट डाल रहा हूँ और मेरा रीजन ब्रेकेट के पीछे एक डायरेक्शन पकड़ने का है और छोटे एसएल के साथ पकड़ने का है, मार्केट यहाँ ठहरा हुआ है, अब ये यहाँ मार्केट ठहरा हुआ, अचानक से मार्केट ने क्लाइमेक्स कैंडल या एक अबनॉर्मल बिहेवियर के साथ में मार्केट ने अपना प्लेस छोड़ा है, ठीक है, ये अपना प्लेस छोड़ा है। अब यहाँ के आसपास हम ब्रेकेट डाल रहे हैं, या जैसे ये कैंडल, जो कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, वही कैंडल का क्लोजिंग के आसपास हम ब्रेकेट डाल देते हैं, ये ब्रेकेट, ठीक है, इससे ऊपर निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, नुकसान लेंगे। मैं सिर्फ जी उसी कैंडल की बात कर रहा हूँ जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया है, लगभग ये एरिया ब्रेक कर दिया, और अगर आप ये देखोगे तो ये भी मैच होते हुए आपको ये एरिया दे देगा, आप समझ रहे हो। एडवांस हाँ ठीक है, एडवांस ट्रेंड लाइन बोलते हैं जिसको जी हम। सर एक सेकंड रुको, अभी भी ये दिक्कत रहती है, एक टाइम पे सब ज्वाइन हो जाए ना, दिक्कत नहीं रहती है, बीच बीच में ध्यान उधर जाता है मेरा, अभी इनको एडमिट करते रहना। इसमें कोई सिस्टम ऐसा होता है ऑटोमेटिक एडमिट हो जाए? ठीक है, यहाँ से अब हम यहाँ ब्रेकेट डाल रहे हैं, हमें पता है ये फिबो का प्लेस भी है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ मार्केट रुकेगा नहीं, पीछे की साइड से भी एक बैरियर आ रहा है, यहाँ यहीं के आसपास आपको इधर से एक एडवांस ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, और यहीं के आसपास मार्केट ने क्लाइमेक्स मूव में मार्केट ने ब्रेक किया है, तो मैं एक ब्रेकेट डाल रहा हूँ यहाँ पे। वो ब्रेकेट का आधार क्या होगा, इसके नीचे निकलेगा तो मेरा सेल लेके ही जाएगा। ये आप क्या रिक्वेस्ट डाल रहे हो, रिक्वेस्ट दैट लाइव ट्रांस इनेबल टू मीटिंग, देख रहे हैं जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना ब्रेकेट प्ले डाल रहे हैं, अब इसके पीछे का लॉजिक हमने बनाया, ये नहीं कि हम यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो बार 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 अपने एसएल हिट होंगे, एक एरिया आपको एक तरीके से निकालना पड़ता है, उसमें भी आप टूल्स की मदद ले सकते हो। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, अपने को ब्रेकेट प्ले करना है और इसी जी एरिया में हम क्यों प्ले करें, मार्केट यहाँ ठहरेगा या यहाँ पे भी तो ऐसा जोन बना सकता है, तो हमें क्या करना होगा, हम इस एरिया की वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू किस किस आधार पे निकालेंगे, मार्केट में हम यहीं के आसपास के फेस निकालेंगे, एक तो मार्केट यहाँ ठहराव दे रहा है इस एरिया के आसपास, ठीक है, एक मार्केट यहाँ डिवाइडर दे रहा है, जी ठीक सर है, और अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिबो भी ले लेते हैं। सर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके आधार पे सर बना रहे हैं। अभी ये एरिया टॉप था और ये एरिया यहाँ पे बॉटम है, तो ये हमने अपना फीबो लगा लिया। ठीक है, अब फीबो को सेट भी कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन हटा लेंगे, 0, 2, 3, 7, 1, 1, 6, लेवल भी दोनों हटा देंगे, इसको लाइट कर देंगे बिल्कुल, ये भी ये भी ये भी, अपना चार्ट डिस्टर्ब नहीं होगा इससे। ठीक है, अब अपने को एरिया भी मिल गया, अपने को एरिया मिल गया, अब इसी एरिया की हम और भी वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हम देखते हैं इस एरिया से एडवांस ट्रेंड लाइन लेते हैं, तो एडवांस ट्रेंड लाइन मिल गई आपको, मिल गई एडवांस ट्रेंड लाइन। अब जी आपको ये एरिया मिल रहा है, ये एरिया कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशंस आ रही हैं, इतना आपको, देखो मैं 1000 टूल नहीं बताता, 1000 चीजें भी नहीं बताता और 1000 तरीके नहीं बताता, हर बार मैं यही चीजें विधियां लेके आ रहा हूँ, कोई नई नई चीजें नहीं लेके आ रहा कि जैसे कि मार्केट देखने के बाद चीजें समझ रही, नहीं, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और इसी जगह के आसपास पहले मार्केट ट्रेप करते हुए, यहाँ ट्रेप करते हुए
रेप करने के बाद का ब्रेकआउट, अब नॉर्मल बिहेवियर, फीबो भी मैं 10 नहीं लेके जाता। अगर मैं यहाँ 10 फीबो लगाता हूँ फिर कहो सर आपने पिछली बार ये वाला माना, इस बार ये मान रहे हो, इस बार ये हमें समझ में नहीं आ रहा हर कदम पे, तो फीबो आ रहा नहीं। अपनी चीज़ें सीमित हैं और हम उस एरिया को देखो, मेरा एक तरीका रहता काम करने का, मैं हर लेवल की एक्यूरेसी नाप के रखता हूँ। मैंने इसको हजारों बार टेस्ट किया है कि कौन सा एरिया कब किस प्लेस पे कैसी वैल्यू देगा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैठती है तो मुझे इस एरिया को पकड़ना है। इस एरिया में क्या आधार एक्यूरेट बैठता है मुझे वो आधार पकड़ना है, क्योंकि मेरा हमेशा एक ही टारगेट रहा, अपने एसएल को कैसे घटाया जाए, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। जिस दिन देखो आप, मैं ये कह रहा हूँ, आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, आपका अगर यहाँ ट्रेड होगा आपका क्या होगा, एसएल ये होगा और आपका टारगेट 1/1, 1/2 मैक्सिमम ये हो सकता है। अगर मैं बात करूँ आप इस पॉइंट पे पकड़ रहे हो, आपका एसएल 1 रुपये का है तो यहाँ से आप 50 रुपये 40 रुपये भी इजीली मिल जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ से आप कभी 50-40 रुपये नहीं पाओगे क्योंकि आपका एसएल बढ़ता जाएगा। जितना इस एरिया को छोटा करते जाओगे ना, इस एरिया को छोटा करते जाओगे उतना आपका रिवार्ड बढ़ता जाएगा, और जितना रिवार्ड आपका बढ़ेगा आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी चांसेज और आपका मार्केट में ठहरने के तरीके चीज़ें सब मतलब बेटर हो जाएंगी, आप समझोगे। मतलब ये चीज़ आपने जीत ली ना, ये मनी मैनेजमेंट का एक गुरु मंत्र मान लो कि ये जरूरी है। अगर आपने ये कर लिया उसके बाद में आपकी जीत ही जीत है। मैं कह रहा हूँ कि ये वाली ट्रेड है, ये वाली ट्रेड आप ऐसी 10 ट्रेड करो, 4 भी ट्रेड आपकी अगर मान लो गलत गई है तो आगे आने वाली 6 ट्रेडें अफेक्टेड होने वाली हैं, मान लो चाहे उसमें प्रॉफिट आए, ठीक है। यानी मनी मैनेजमेंट के साथ में आपकी साइकोलॉजी वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है, ये नुकसान, ठीक है। तो आप जीत में कभी नहीं रहोगे चाहे विनिंग वाली स्ट्रेटेजी हो। अब हम उस स्टेज पे बैठे हैं, उस जगह पे बैठे हैं जहां हमारा डर हमें छूता ही नहीं है। सीधी सी बात है, हम कंजूस हैं, हमारा देखो ब्रैकेट प्ले का मतलब सीधा ही कंजूस है। अपने कंजूसाई में हमने एक बार दे दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार में मेरे पक्ष में आ गया। अब सीधी सी बात है, इसमें अगर आप बात कर रहे हो आपकी जीत के लिए, आप अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप मान लो 60% विनिंग करते हो और 40% लूजिंग करते हो तो भी आप सम टू सम गेम में रहोगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी आपको अंतर रहेगा। अब मैं यही रेशियो से भी गिरा के रेशियो ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 20% आप विनिंग रहते हो, 80% आप लूजिंग रहते हो, बेकार से बेकार स्ट्रेटजी आपके पास है, ठीक है। वैसे ऐसी स्ट्रेटजियाँ बनी नहीं है मार्केट में कि 80% अगर लूज दे दे, अगर कोई 80% लूज दे तो आप उसको चेंज कर लो, बाय को सेल कर दो, सेल को बाय, तो 80% विनिंग बन जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने केस में एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी, मेरी वाली स्ट्रेटजी इतनी बेकार है कि वो 20% ही विन कराए, मेरे को जिताएगा कौन? मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे स्ट्रेटजी में मेरे को 80% नुकसान लग रहा है और 8 ट्रेडें मेरे पक्ष में नहीं जा रही हैं, लेकिन 2 ट्रेड मेरे पक्ष में जा रही हैं और जिसका टारगेट मुझे पता है कितना बड़ा मैं लेना चाहूँ, टारगेट लेने के हमारे पास स्टेप्स पड़े हैं, तरीके पड़े हैं, हम ले लेंगे, ठीक है। अगर वो जीत हमारी 2 होगी वो बड़ी होगी, ये नहीं कि वो छोटी होगी, और इस वजह से हम जीत जाएंगे। नुकसान होगा, आपने 8 बार नुकसान लिया, अगर मैं 1/20 रिस्क रिवार्ड की बात करूं, आपने 8 बार नुकसान लिया, ठीक है, 2 बार आप जीते तो 2 बार में आपने 40 कमाए और 8 बार में 8 गवाए, 32 प्लस में हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप 32 प्लस में क्यों हो? क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट आपको जिताएगा। बताइए क्या बोल रहे हो सर? सर हमने ट्रेडिंग एरिया फाइंड कर लिया, अभी जो हम बनाएंगे बॉक्स उसका शुरुआत कहाँ होगा और उसका साइज क्या होगा सर? ठीक है, आपने ब्रैकेट प्ले का बॉक्स के लिए सवाल किया है। वैसे तो मैंने आपको कहा कि रेगुलरली हर दिन ये चीज हम नहीं अप्लाई करते क्योंकि उसके लिए एक बहुत अच्छी समझ चाहिए मार्केट की और कंट्रोल भी मार्केट का अच्छा चाहिए। अगर आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ तो पहले हम एरिया ऑफ वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हर जगह तो नहीं अप्लाई कर रहे कि आंख मीच के चलो मैं यहाँ अप्लाई करूँ, यहाँ अप्लाई करूँ, यहाँ अप्लाई करूँ। पूरे दिन ट्रेडिंग करने की बात मैंने कभी नहीं करी। आपको एरिया ऑफ वैल्यू निकालो। मार्केट ने यहाँ छोटा सा एक POC बॉक्स बनाया, यानी कि मार्केट एक पजल हुआ, मार्केट ने ठहराव लिया, अब मार्केट उसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके या तो सक्सेस करेगा या फेल होगा। जब ये एरिया बनाया है या तो इसका ब्रेकआउट सक्सेस होगा या फेल होगा।
अगर वो सक्सेस हो गया, आप कह रहे हो ना कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं सर हम, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमारी चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी विनिंग बहुत कम रहती है, मार्केट हमें ट्रैप ज्यादा करता है। मैं कह रहा हूँ ब्रेकआउट पे आप अगर ये लगा रहे हो, एक लॉजिकल प्लेस पे लगा रहे हो, मैं डायरेक्टली ब्रेकआउट पे नहीं कह रहा, ब्रेकआउट के बाद में भी एक लॉजिकल प्लेस आप निकाल रहे हो और उस प्लेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो ब्रेकेट प्ले। अभी इनको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ब्रेकेट प्ले लगा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेकेट प्ले लगाया, मान लो ये एरिया, इस एरिया की वैल्यू क्यों, क्योंकि फिबो के हिसाब से मुझे यहाँ वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ रहा है जो कि मैंने ये जोन बनाए रखा है रेसिस्टेंस का। पीओसी बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, पीओसी लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा मुझे नीचे से अटैचमेंट मिल रहा है एडवांस ट्रेंड लाइन का, तो लगभग मैंने ये चीजें पहले से ही तैयार करी है जब ये मार्केट ने ब्रेक भी नहीं किया था। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं नीचे के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड ही नीचे है और मार्केट चेंजिंग का है और मैं ब्रेकेट प्ले करना चाह रहा हूँ, मुझे वो प्लेस चाहिए जो ब्रेकेट प्ले करना है। अब वो प्लेस मैंने, अब देखो इसमें दिमाग तो लगाना ही होगा, इधर से आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, इधर की साइड में आपको एक उसका प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है, और इसी साइड में आपको एक पीओसी बॉक्स और इसका जस्ट ब्रेकआउट वाली और पहली क्लाइमेक्स कैंडल। अगर मैं सारी चीजें हटाता हूँ तो आप मुझे क्लाइमेक्स कैंडल इस वाले पूरे पोर्शन में आपको यहाँ दिखाई देगी जो ग्रीड दे रही है, एक बायर को ग्रीड दे रही है, वो कैंडल आपको यहाँ दिखाई देगी और जस्ट वो ब्रेक करता है और उसी कैंडल में ये वापस से मार्केट स्विच करता है। हाँ, एक बार ट्रिप करता है ऊपर की साइड में, लेकिन अपना एसएलएम कहाँ रखेंगे, हम ट्रेड कहाँ लेंगे इस, देखो जो मार्केट क्लोज हो रहा उसके आसपास आप ब्रेकेट लगा दो। आपने ब्रेकेट लगाया ये एरिया और इसी के ऊपर एसएल रखा, मार्केट ने आपका एक बार भी एसएल हिट नहीं किया और आपको अच्छा प्रॉफिट दिया। एक बार अगर बाई चांस एसएल हिट कर गया, एक सेकेंड, एक बार मान लो एसएल हिट कर भी गया, दूसरी बार में आपका सक्सेस हो गया, और मैं बात कर रहा हूँ 80-20 की, और ये आपका उल्टा हो जाएगा अगर आपकी समझ अच्छी है तो। मतलब 80% टाइम आप विन करोगे 20%, क्योंकि ये कोई रेंडमली कोई इंडिकेटर नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं लॉजिक के बेसिस पे, साइकोलॉजी के बेसिस पे, और साइकोलॉजी सब तालों की चाबी है। साफ शब्दों में मैं बता दूं, साइकोलॉजी सब तालों की चाबी है। रीजन, आज से 10 साल 20 साल पहले भी इस मार्केट में जो ट्रेड करने आया था एक रिटेलर, वो मार्केट से लूट के गया था। आज से 20-50 साल बाद में भी एक रिटेलर आएगा ट्रेड करने के लिए स्टार्टिंग में, वो लूट के जाएगा। और रीजन 100 से एक ही बात है, रीजन साइकोलॉजी रहेगी, कोई रीजन नहीं, ये मार्केट है और यही आपको लूटेगा, रीजन साइकोलॉजी रहेगी। तो 100 तालों की एक ही चाबी है साइकोलॉजी। अगर इसके बेसिस पे आपने काम करना शुरू किया तो आप छोटे, हाँ, फिर दूसरी चीज रहती है हमारी रिस्क रिवार्ड, यानी कि मनी मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट को बेटर बनाना है तो आपका रिस्क कम कर दो। रिस्क मतलब आपको नुकसान देखना ही, और जिस दिन से आपने नुकसान छोटा देखना शुरू कर दिया, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होने भी शुरू हो जाएगी, साथ में आपकी मेंटली एबिलिटी बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि देखो, एक डर रहता है, मैं आपको सीधी सी बात कहूँ, आपने इस ब्रेकआउट पे सेलिंग ली, आप नीचे का देख रहे हो, ये पोर्शन आपको डराएगा और इस डर की वजह से इस पोर्शन में आप कभी ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, आप समझ रहे हो मेरी बात पे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको अफेक्ट किया इसने। ये वाला पोर्शन फिर ग्रीड दिखाएगा, कोई यहाँ सेलिंग करेगा, सेलिंग करने के बाद में ये पोर्शन या तो उसको बाहर फेंक देगा या वो इस पोर्शन में प्रॉफिट लेने आएगा, तो इसका मजा कभी नहीं ले पाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसने एक फ्लो दिया है, ग्रीड दी फियर दिया, ग्रीड दी फियर दिया, और एक जो एबिलिटी, हम हमेशा ट्रेड करते हैं ना, मैं टॉप के प्लेस पे हमारी ट्रेडिंग होती है, जो स्पॉट में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ट्रेडिंग, उनको पता है कि एक ऊंचे प्लेस पे होती है। अगर आपकी ट्रेड चली तो आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही मजबूत होना चाहिए, ये नहीं कि आपको हिचकोले, मतलब पहले आप एक डायरेक्शन में, मैं यहाँ सरफेस देने की कभी बात नहीं करता कि मैंने ये सरफेस दिया और मार्केट मुझे कई बार परेशान करेगा, मेरे मेंटल एबिलिटी वीक कर देगा, उसके बाद में मैं बात करता हूँ उस पॉइंट को पकड़ने के बाद में, जिसमें सिर्फ, जिसके बाद में हमें सिर्फ प्रॉफिट देखना होता है, नुकसान के एरिया में तो हम कदम ही नहीं रखते। कदम रखने का मतलब मैं पहले ही निकल जाता हूँ, मार्केट को एक रुपया दिया, 50 रुपये क्यों देना, 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया, मैं निकल गया, दोबारा से एक बार 1 रुपया 2 रुपया लिया, लेकिन उस प्लेस को फाइंड आउट करना, उस प्लेस पे एंट्री लेना, ये हमारे लिए वैल्यूएबल चीज होगी कि किस तरीके से। हेलो सर, वैल्यू। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ
हेलो सर, यही प्लेस हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे लगभग यहाँ के आसपास आ जाएगा, जैसे ये ब्रेकआउट किया इस एरिया के आसपास और पिछले वाला का सस्टेनिंग की, यहाँ से फीबो लेंगे तो ये फीबो आ जाएगा इसी प्लेस के आसपास, तो यहाँ सर मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ से मतलब हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, जहाँ पे हमें पक्का है कि अब मार्केट इसके उल्टा नहीं जाएगा। देखो सबसे पहली बात है मार्केट को क्या देना है ये तय पहले आप करो। मार्केट अगर मेरे से लेके जा रहा है मुझे ये तय करना है कि मैं उसको ज्यादा क्यों दे रहा हूँ। देखो बात एक, कई बार आप लोग ना सिर्फ फीबो पे ट्रेड उठाते हो, अब मुझे बताना कि आपने इस फीबो पे ट्रेड उठाया, मार्केट नीचे जाएगा, एक रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने, अब नीचे जाएगा, अब मुझे आप ये बता सकते हो क्या इसका एसएल यहाँ रखना लॉजिकल है? क्यों मतलब ये फीबो यहाँ जाके रोंग होने वाला है क्या? इससे पहले तो कई लेवल आ गए फीबो के, फिर जाके पार कर रहा इसके, मतलब अगर ये यहाँ जाके अगर सक्सेस होता है तो ये क्या फीबो की सक्सेस मानोगे? अगर ये ट्रेड सक्सेस होती है इतना ऊपर जाने के बाद में, तो क्या ये आप फीबो की सक्सेस भविष्य में मानोगे? जब भी आप टेस्टिंग करी थी आपने तो आपने सक्सेस ऐसी देखी, आज ट्रेडिंग कर रहे हो सक्सेस ऐसे देख रहे हो, तो क्या ये फीबो की सक्सेस है? ऑब्वियसली नहीं है। तो फिर ये लॉजिकल प्लेस क्यों, इतना एसएल फालतू का क्यों दिया? जिस आधार पे आपने ट्रेड किया वो आधार गलत साबित हुआ तो आप निकलो मार्केट से बाहर। तो सर एसएल जो सिस्टमैटिकली डालना है या बस वो, आप ब्रैकेट प्ले की बात कर रहे हो ना, ब्रैकेट प्ले में आपको एसएल मिल जाता है, आप ब्रैकेट बनाते हो। और यहाँ मैंने ब्रैकेट किस आधार पे बनाया था? मैंने कहा था ये आपका प्लेस था ठीक है, जिसके आसपास आपकी टच आ रही, ये ग्रीडी कैंडल थी, जो कैंडल बाहर निकली है उसी कैंडल ने इसको हिट किया है, इस लेवल के अंदर आया, उसी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आप बना दो अपना एंट्री और इसी कैंडल के ऊपर आपका हो गया एसएल, खत्म बात। मार्केट ने एसएल खाया खुशी खुशी आपने दिया, कोई बात नहीं मार्केट जाने दो ऊपर। अगर इसी प्लेस को इस चीजों को ही रंग दे दिया ऊपर, गलत कर दिया ऊपर से जा रहा, तो फिर ये चीज ही गलत हो गई, इस चीज पे हमें ट्रेड ही नहीं करना। अगर ये यहीं से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आने लगे तो ये प्लेस तुम्हारे लिए दोबारा पड़ा है और ये ऐसा एरिया पड़ा है, तो आपने एक रुपया दिया, एक रुपया दोबारा देने के लिए तैयार करोगे और दोबारा से ट्रेड ले लोगे, ये हो गया। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ सर जी, मंगल बात कर रहा हूँ। आज का सेशन मेरे लिए एकदम फर्स्ट सेशन है, तो आपने जो वो एडवांस ट्रेंड लाइन वगैरह जो बताई है ना सर, वो कुछ समझ में नहीं है, बाकी का साइकोलॉजी वगैरह वो समझ ठीक में है सर, वो काफी सारी चीजें क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम बेसिक की कंप्लीट कर रहे हैं और बेसिक का भी लास्ट स्टेज आज मैं लेने वाला था कैंडल स्टिक पे, लेकिन सवाल आ गया और काफी सवाल को पूरा करने में ये सेशन चला गया। मेरे हिसाब से मैं इसमें बता चुका हूँ, किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड है जो तो वो बता सकते हो। सर ब्रैकेट प्ले की बात करिए, ब्रैकेट प्ले से रिलेटेड कुछ सवाल है तो बोलो। सर जो कैंडल स्टिक्स है और जो पैटर्न्स है वो हमें एक जोन शिफ्ट होने के बाद उस जोन में ही सर, अभी नोटिस कर रहे हैं ना। हाँ समझ गया, आप सवाल कैंडल स्टिक पे जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ब्रैकेट प्ले से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो बोल सकते हो, मैं इस टॉपिक को खत्म करूँ। सर ब्रैकेट प्ले है क्या सर? वही ब्रैकेट प्ले का सर, एक तो वीडियो मैंने डाल रखा ऑलरेडी, जिन्होंने देखा उनके लिए सवाल पूछ रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं उनका नहीं, वो वीडियो देख ले, देख लेना, इसके बाद ये देख लेना ठीक है सर। सर 10 बजे के आसपास बता सकते हैं एक बार? क्या चीज सर? 10 बजे के आसपास या एमटीएफ का? हां वो बता देंगे सर, अभी ये जो सिचुएशन में मैंने एग्जांपल दिया इसी में किसी का कोई सवाल है? सर हमने जो ये फीबो लगाया है ये लास्ट वाले ब्रैकेट से कि जो ब्रेक द रॉक का हुआ था। हाँ ठीक है चलो, फीबो देखो, फीबो क्या होता है? वेव बेस्ड होता है, वेव बेस्ड मतलब अगर हम फीबो लगा रहे हैं इसमें तो कपबोर्ड इज नाइट। देखो ये वेव जा रही है, ये वेव यहाँ ठहराव आया, इसके बाद में ये टाइम वाइज प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद में ये, तो ये जो वेव आ रही है वेव वाइज हम इसको फीबो को बनाते हैं ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बाद में ये जो रिट्रेसमेंट है इससे वैल्यू मिल रही है और ये ठहराव है जो इस वाले पड़ाव के आसपास ही ठहराव है, इस बेसिस पे हम फीबो बनाते हैं, लॉजिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने इस प्लेस पे पहले कोई रेजिस्टेंस दिया था, वहीं से आसपास वापस से घुमाया तो ये प्लेस हो जाएगा।
जैसे आगे का ये फीबो हम निकालेंगे तो इस प्लेस को ले लेंगे, आप समझ रहे हो, फिर ये फीबो आ जाएगा। कोई और वेव के हिसाब से? हेलो के हिसाब से? हेलो सर, ब्रैकेट प्ले में आप कह रहे हो ना सर कि 2 पॉइंट तक, 1 से 2 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रहता है, तो मैं आउट ऑफ द मनी लेना पड़ेगा ना सर इसमें? तो फिर कोई जरूरी नहीं सर आउट ऑफ द मनी, और मैंने 2 पॉइंट के लिए नहीं बोला। 2 पॉइंट मतलब देखो, 2 पॉइंट की बात मैं बता दूं, आप समझो, आज आप ट्रेड कर रहे हो, आप एक सेकंड का अगर मैं कह रहा हूँ दसवां हिस्सा भी लेट होते हो तो दो पॉइंट का अंतर आ जाएगा ना। और ये चीजें अनुभव की हैं कि एग्जैक्ट प्लेस पे एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री करना वो 2 पॉइंट होता है। आप ये तैयारी करो कि चलो मैं टाइम स्विच पे ट्रेड लिया, टाइम स्विच पे आपने ट्रेड लिया, जस्ट कोई बात नहीं, आपका एसएल एरिया ये हो गया, 2 हो या 5 हो कोई बात नहीं, वो एरिया है, बट इसके अगेंस्ट में आपका रिवार्ड बड़ा होना चाहिए, रिवार्ड बड़ा होना चाहिए। एरिया एसएल का आपने छोटा कर दिया, अगर हम इसको कभी भी लगाएंगे ट्रेड में तो ये एरिया छोटा होना चाहिए, 1 रुपए के बराबर रिवार्ड 20-30-50 पॉइंट का, 20-30-50 गुना रिवार्ड होना चाहिए, कम से कम 20 गुना तो रिवार्ड होना चाहिए। हाँ, फिर भी डर लगता है तो आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। सर हेलो, सर आकाश देसाई। हाँ सर, जैसे ये सेकंड ब्रैकेट आपने डाला है उसका जो सेंटर में एक फेक ब्रेकआउट दिखाया ऊपर की तरफ, वो भी तो जो लास्ट ब्रैकेट का एक फीबो से रिट्रेसमेंट अगर हम बनाए तो वहीं पे आके रुक रहा है वो, तो एक ये डिटेक्ट करने का भी तरीका हो सकता है कि इससे ऊपर नहीं गया तो ये उस फीबो से टच करके ये वाले की बात कर रहे हो सर? सर इससे जो नीचे वाला, ये वाला भी और इसके नीचे वाला भी, ये वाले की बात कर रहे हो? इसमें ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ इसमें फेक दिया है जो इसी को, ये वाले की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है, ये उसका एक, फीबो ही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है जिसमें टाइम स्विच की बातें करी हैं और ब्रेकआउट की भी बातें करी हैं। मैं एक टाइम मतलब आप क्या होता है, एक आपकी बात नहीं, नॉर्मली एक रिटेलर की बात करता हूँ, जब मार्केट वो बड़ी तेजी से आ रहा होता है, या तो किसी को प्रॉफिट दे के आ रहा है या किसी को नुकसान दे के आ रहा है, 2 बातें हैं, ये कन्फर्म है हो रहा है क्योंकि मार्केट तेजी से आया है, या तो किसी का एसएल लग रहा है या किसी को प्रॉफिट, और दोनों ही चीज जो होती हैं एक रिटेलर के माइंडसेट से मैं बात कर रहा हूँ, वो उनको परेशान करती है, अगर प्रॉफिट है तो नहीं बचेगा और नुकसान है तो नहीं बचेगा, वो मार्केट को रिवेंज करता है। अब वो जब मार्केट अगर इस एरिया पे उनको परेशान करता है तो मैं उसको क्या बोल देता हूँ, हाई एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई है मार्केट से, क्योंकि मार्केट में या तो किसी को प्रॉफिट मिला है या किसी को अभी अभी नुकसान मिला है, तो वो फाइट करता है, उसको छोटे मोटे मौके आते हैं, तब मैं कहता हूँ मार्केट को मच्योर होने दो, मच्योर मार्केट आपको धीरे धीरे आप देख रहे हो, उस एंगल से देखना शुरू करोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि मार्केट मैच्योरिटी पे है, 1-2 ट्रिप हो चुके होंगे फिर मार्केट मैच्योरिटी की साइड बढ़ता है, तब मार्केट में एक अबनॉर्मल बिहेवियर आता है। अबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब देखो, ये जो चल रहा है यहाँ के आसपास मार्केट ने एक अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया, एक अबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ दिखाया, यहाँ पे मार्केट ने जोन ट्रैप दिखाया, आप नीचे की साइड भी ट्रैप दिखाया, फिर मार्केट रुक गया उसी एरिया में, सरफेस दिया, ट्रैप किया, ऊपर गया, बड़ी कैंडल दिखाई, ये पूरी तरह से इस एरिया को छोड़ दिया जो पीओसी बॉक्स था, और ट्रैप किया नीचे की साइड में चला, स्टोरी समझ में आ गई कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 जगह मार्केट में अब नॉर्मल बिहेवियर हुए हैं, और ये हाई एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है। अब गिरावट में लोगों को ये रहता है कि मार्केट उठेगा, एक बार उठेगा, एक समय के बाद रिटेलर चेंजिंग माहौल में कहीं ना कहीं वो एंटी हो जाता है कि मार्केट उठेगा, उस समय मार्केट इस तरीके के ट्रैपिंग करता है। और अब ये ट्रैपिंग में आप कह रहे हो ये पोर्शन और ये पोर्शन में क्या अंतर है, इस पोर्शन में हमें एक एडवांस ट्रेंड लाइन मिल रही है, इस पोर्शन में हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, इस पोर्शन में कोई ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, इस पोर्शन में मार्केट की स्टेप्स मैच्योरिटी नहीं मिल रही है, ये एक समझ के साथ आपको आएगा, ये रटी रटाई भाषा में नहीं आएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर अब मैं बात करूं ये कितनी देर में मार्केट मैच्योर हुआ, ये कितनी देर में मार्केट मैच्योर हुआ, इसको बोलते हैं टाइम मैजिक थ्योरी, अभी मैं इन आप लोगों को शेयर कर ही रहा हूं, ठीक है, आप टाइम मैजिक पे भी मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं तो आपको वो भी पता चलेगा कि ठीक है कितनी देर में ये टाइम मैच्योर हो रहा है, ये कितनी देर में हो रहा है, ये वीडियो टाइम मैजिक की वीडियो कहां पर है, आपको मिल जाएगी। सर मेरा एक सवाल था सर, हाँ हाँ
इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो वो करो सर। जी सर, इसी चार्ट में 12:45 को अपन एक कोई ट्रेड पकड़ सकते हैं ना? 12:45 ये रहा, ये वाला एरिया ऊपर में सेलिंग के लिए, ये एरिया हाँ ठीक है। अभी आप इस एरिया की बात कर रहे हो, आप मेरे को खुद बताओ इस एरिया की वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है। एक बार म्यूट कर लो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आपका शोर ज्यादा आ रहा है। ये एरिया है, क्या वैल्यू आ रही है? ये क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस, या क्या बोलेंगे सपोर्ट, ये क्या बोलेंगे रेसिस्टेंस। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, कहीं से तो एक वैल्यू आ रही है ठीक है। दूसरी बात, ये शार्पली ब्रेक किया था, शार्पली गया था, वी शेप रिकवरी भी है, वी शेप में। अब मैं एक एक विधि मैंने आपको बताई है, CHF आप अप्लाई करो तो ठीक है। CHF में पहला आता है सी, सी का मतलब क्लाइमेक्स कैंडल, आपको यहाँ क्लाइमेक्स कैंडल दिख रही है। फिर दूसरा एच, एच का मतलब हैमर, आपको हैमर दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा आता है एफ, एफ का मतलब फिबो, आपको फिबो दिख रहा है, पीओसी लाइन के साथ मैच करते हुए मिल जाएगा। आप यहाँ ट्राई करो ऐसे लिए, मिल गया ठीक है। और इससे पहले मार्केट आपको मैंने शायद आज डाला है एक वीडियो जो चेजिंग वाला, आज डाला शायद डाला होगा उसमें, यहाँ पे एक स्टेप बताया, यहाँ से दो स्टेप बताया था, यहाँ से तीसरा स्टेप बताया था जो चेजिंग को कंफर्म कर रहा है, वो वाला ही दिन है ये। और उसके बाद में मार्केट ने ब्रेक किया 15 मिनट, ये वाला 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये वाला एरिया था जो ये ब्रेक करके वापिस से रिटेस्ट, ये रिटेस्ट वाला एरिया था। तो हमें कंफर्मेशन हो रही थी साइकोलॉजिकली कि मार्केट वापिस गिरावट देगा। मार्केट ने साइन दिया, पहला साइन यहाँ दिया, दूसरा साइन मार्केट ने यहाँ के आसपास स्टेप्स में हम देख रहे थे, और तीसरा साइन हमने देखा था इस एरिया के आसपास जो लास्ट ये जो फील करता है ना, उससे पहले मार्केट चेंज होना चाहिए। मार्केट चेंज नहीं हुआ और यहाँ एरिया वैल्यू भी दे रहे थे, ये जो एरिया वैल्यू निकाल रही है, और सिर्फ ये एरिया इस जगह से वैल्यू नहीं दे रहा, पीछे से भी मैं वैल्यू लेके आ रहा हूँ ठीक है। और वो वैल्यू मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइम बिताया है, यानी कि टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, प्राइस नहीं ऊपर खींचा, यानी कि प्राइस वाइज कोई रिट्रेसमेंट नहीं, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट एक साइन हो गया कि मार्केट की गिरावट में बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया। तो दूसरा दूसरा और फिर इसी टाइम वाइज रिट्रेसमेंट के प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ हाँ, उसी के अंदर ये स्टेप बने हैं देखो। तो ये सारी चीजें मार्केट हमें क्या इंडिकेशन देता है, पहला इंडिकेशन, दूसरा इंडिकेशन, तीसरा इंडिकेशन, फिर चौथे में आपको वो एरिया दे रहा है। अगर आप मार्केट में चार्ट के साथ में स्टोरी बनाना शुरू करते हो तो आपको साइन भी नजर आएंगे, और ट्रेड ही करना शुरू करोगे तो इतना सा चार्ट दिखाई देगा, ये ट्रेड लिया, कहीं ऐसा ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे, ऐसे करके काम नहीं होगा। मार्केट में बने रहो, मार्केट के साथ प्राइस एक्शन बनाते रहो, बनाते रहो, मार्केट आपको चिल्ला के कहेगा यहाँ एंट्री लेनी, वहाँ आप एंट्री लोगे इजीली। सर यहाँ पे फीबो कहाँ से आ गया, मतलब सर यहाँ पे फीबो की वैल्यू कैसे निकल रही है? अगर आप फीबो की बात करोगे तो मैं आपसे वेव की बात करूंगा पहले, तो वेव मैं पूछूंगा, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ये तो टॉप क्या मारा है मार्केट ने इसमें, ये वाला सर, ये शायद सीएचएस में फीबो पूछ रहे हैं वो भी बता दूंगा। एक फीबो आपका ये एरिया हो गया, तो इससे इस एरिया का फीबो आ रहा है। अगर आप सीएचएफ की बात कर रहे हो, देखो मैं दोनों ही फीबो लगा देता हूँ आपकी समझ के लिए, एक तो हो गया ये एरिया पकड़ा हाई ठीक है, ये एरिया पकड़ा लो, और आपका फीबो आ गया जिस फीबो की हम वैल्यू निकालते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमने इसी एरिया की वैल्यू निकाली थी इस तरह से ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। तीसरा अब यहाँ पे दो तीन चीजें मिल रही हैं, एक सेकेंड ठीक है, अब दो तीन चीजें अगर हमें यहाँ पे मिल रही हैं, अब हम यहाँ पे अगर कोई विधि ही चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सी विधि, एक तो पुल बैक देखना है, तो फिर नीचे से कोई ना कोई ट्रेंड लाइन चाहिए, नीचे से कोई ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो कोई ट्रेंड लाइन बन रही है जो वैल्यू दे, कोई आधार तो होना चाहिए, एक वेव छोटी मोटी होनी चाहिए, वो वेव प्रॉपर नहीं मिल रही है तो आधार प्रॉपर नहीं मिल रहा। आप इन दोनों तीनों ट्रेंड लाइनों को मिलाओगे तो प्रॉपर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो ठीक आप ले सकते हो। अगर मैं कोशिश करूं ये लाइन लेता हूं और ये लाइन को टच करता हूं, ये लाइन को टच करता हूं और लाइन को खींचता हूं, तो लगभग अप्रोक्स एक मिनट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये भी एरिया दे रहा है ठीक है।
अब मैं इतनी सारी जरूरी नहीं है चीजें। अब यहाँ पे आपको ये कैंडल कैसी दिख रही है, क्लाइमेक्स कैंडल, बड़ी कैंडल, लार्ज कैंडल, ग्रीडी कैंडल, ये कैंडल कैसी दिख रही है आपको, हेमर। अब मैं हेमर में लोग कहते हैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना या नीचे की क्लोजिंग पे, मैं क्लोजिंग नहीं कहता, मैं कहता हूँ इस हेमर का फीबो निकाल लो, इस हेमर का फीबो जो लगभग आपको यहाँ के आसपास आ जाएगा, और उसमें आप पीछे की कोई वैल्यू एड ऑन कर दो। अगर कोई पीछे की दो कैंडल की, इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मिलाओगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी और उसी के आसपास आपकी ट्रेड मिल जाएगी। हर चीज में आपको एक प्राइस एक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसी चीज को आप ब्रैकेट में डालोगे तो ब्रैकेट बन जाएगा। ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या हो गया, अगर आपने यहाँ ब्रैकेट डाला, लॉजिकल प्लेस है, आपने यहाँ ब्रैकेट डाला, ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दिया, या क्लोजिंग के आसपास डालना चाह रहे हो आप, तो मैं एक काम करता हूँ, या फिर वो सी एच एफ के हिसाब से डालना चाह रहे हो, तो ये एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया हो गया। अब आप ट्रेड कब ले रहे हो, जब एरिया नीचे, पहले तो हैमर बन चुका, हैमर बनने के बाद ऊपर आया, अगर पहली बार आपने ट्रेड लिया नीचे की साइड गया, ऊपर की साइड आया, हिट हुआ, फिर नीचे की साइड जाने लगा, दोबारा ट्रेड बनी और मार्केट आपको टारगेट दे गया। सर ये जैसे हमने 12 बजे 12 से ये सब 11 से लेके 12 बजे तक जो पीओ बॉक्स बना है, आपके मेथड्स के अकॉर्डिंग अभी एक काम करें, बाकी के सवाल हम अगर इससे रिलेटेड है सवाल लें, क्योंकि आज भी कैंडलस्टिक वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, फिर हम चाहते हैं तो सर हेलो हाँ हाँ सर, एक क्वेश्चन था, ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया ये फिबो का वगैरह पकड़ के, मेरा इसमें एक ही सवाल है, मेरे को ये समझ में आ गया सर, ये ब्रैकेट प्ले कैसे करते हो आपने वीडियो में बताया था और इसमें भी और क्लियर हो गया। मुझे एक बात पूछना है सर, ये जब हैमर बनता है, हैमर बनने के बाद वो नीचे आया, उसके 50% पे जब हम लगाते ऑर्डर लगाने जाते हैं, तो आप उसमें मार्केट ऑर्डर लेने बोलते हैं कि एग्जैक्टली वो प्राइस का लिमिट ऑर्डर लगाना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है ना सर उसको। आप एक बात बताओ मेरे को साहब, ये तो तरीके हो गए ट्रेड लेने का, प्राइस एक्शन क्या, प्राइस एक्शन आपको क्या कह रहा है, यहाँ आसपास आपके एरिया ऑफ वैल्यू निकल गई, आपको ट्रेड लेनी है। अब आप कह रहे हो कि मैं ट्रेड वो ऑर्डर लगाऊं, ये ऑर्डर लगाऊं, लेना ट्रेड है, आपके सामने दूसरा चार्ट खुला हुआ है और दूसरे चार्ट की साइड आपको दिख रहा है कि कॉल पुट की रेट क्या चल रही है, आपको बॉटम पकड़ना है ना। हाँ, लेकिन सर, लेकिन सर वो जो दो रुपए, अभी आप सीधी सी बात में बात ही करूं, जब ये कैंडल बनी है तो आपको 2 मिनट मिले ट्रेड करने में, उस 2 मिनट के दौरान कॉल या पुट में जो भी आप पुट ले रहे हो, तो पुट के साइड में आपको जो बेटर नीचे की रेट मिल जाए वो रेट पकड़ लो, उसमें क्या मतलब कैसा भी ओके हाँ, मतलब ठीक है सर, एक्चुअली क्या है उसमें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये जो SL है, आपने 4 से 5 दो पॉइंट या 5 पॉइंट मैक्सिमम बोला, तो मैंने एक ऐसे ऑब्जर्व करके देखा है कि उसको हम पकड़ते वक्त कैसे वहां पे पकड़ेंगे, मतलब देखो ऑप्शन चार्ट में देखा मैंने, आपका परफेक्टली जवाब दे देता हूँ, ठीक है, इतना सवाल वैसे तो होना नहीं चाहिए, लॉजिकल चीज है, ये अपनी समझ की चीज है, फिर भी मैं आपको एक चीज देता हूँ, मार्केट में जब डिमांड बढ़ रही होती है ना, किस साइड की, कॉल की साइड की, तो पुट की रेटें बड़ी तेजी से गिर रही होती है, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है, लोग कर रहे, पुट में क्या होता है फियर, और इधर क्या होता है ग्रीड, जब इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इसमें ग्रीड भी बढ़ रही है, अचानक से इसकी डिमांड घटनी स्टार्ट हुई तो इसमें फियर आने लग जाएगा, उधर ग्रीड आने लग जाएगा। आप अगर जब ये फियर में है, हर कोई भाग रहा है बेचो 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 बेचो, उस टाइम आप खरीद लोगे तो आपको सबसे सस्ता मिलेगा, ठीक है, और वो ग्रीड आपको कब मिलेगा मैं बताता हूँ, कब मिलेगा, आप अगर वो एरिया देख रहे हो कि मैं ब्रेकआउट देखने के बाद क्लोजिंग देखूं, तो मैं ये गारंटी देता हूं, ये दुनिया देखती है कि हैमर बना है, नीचे की क्लोजिंग बनी है, अब मैं ट्रेड लूं, तो वहां पे दुनिया की डिमांड आती है पुट की डायरेक्शन में, तो आप कहोगे कि मेरे को रेट महंगी मिल रही है, क्योंकि आप क्लोजिंग पे जा रहे हो, वहां दुनिया कूदती है टाइम स्विच पे, इस जगह पे कि मैं, और ये देखना हुआ क्या है मार्केट ने क्या किया, जस्ट ये कैंडल बनी है और इसके बाद में ये नीचे की क्लोजिंग हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूआरटी, ठीक है। अब मार्केट ने जब ये किया क्लोजिंग के बेसिस पे तुरंत ऑर्डर लगे, तो मार्केट ने क्या खींच दिया ऊपर की साइड, अब आपको प्लेस लेना है, ठीक है। मार्केट ने जब ये पूरी कैंडल ऊपर खींची है तो ये भी ग्रीन बनी होगी, पहले बनी होगी ग्रीन,
रेड तो बाद में बनी है ना, पहले ग्रीन बनी होगी, तो ये ग्रीन बन रही है पहले ग्रीन, इनको क्या लगा फियर, मार्केट ऑलरेडी ग्रीड की इधर की थी, बाय की साइड की ग्रीड में पुट ली गई है और पुट वाले डर रहे हैं और मार्केट ऊपर की साइड दोबारा दिख रहा है। अब अगर मैं देखो कुछ चीजें आपको यहाँ रिमूव कर देता हूँ तो आपको और इजी समझ में आएगा। एक बार तो मैं रिमूव करता हूँ सारी ड्रॉइंग, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये वाली जो चीजें हुई ये देखना बंद कर देते हैं, ये जो भी हुआ ये बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं जो कैंडल एक्चुअली में दिखा रही है वो कैंडल देखता हूँ। ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ग्रीडी कैंडल थी पहले बनी थी, तो ये ऐसे बनी थी जी। इस जगह आप खड़े हो, अब यहाँ पे एक रिटेलर की सोच क्या होगी जिसने बुलिश जा रहा है करके। यहाँ पे हाँ बुलिश है ऑलरेडी, हाँ। और वापस बुलिश जा रहा है, आप यहाँ पे सीएचएफ के तरफ से एंट्री कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ डिमांड आपको सस्ती रेट में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोग डिमांड क्या करेंगे वापिस से, ये डर के निकलना चाहेंगे इस कैंडल में, और दूसरी साइड बायर्स आना स्टार्ट होंगे, तो आप उस एरिया को पकड़ रहे हो ना कि ब्रेकआउट एरिया को, इस वजह से आपको रेट ओके सर मिलेंगे, ठीक है। तो वो एरिया पकड़ लो और उसी के आसपास आप प्राइस देखो पुट में कि आपको लोअर मिल रहा है, आप तुरंत कैच कर लो और वहीं से आपको देखो ये एक अनुभव के हिसाब से, फिर आप कह रहे हो ना कि छोटे एसएल कैच आएंगे, यही अनुभव यही प्रैक्टिस आपको लाएगी और उसके बाद में मार्केट पूरा पलट जाएगा आपके फेवर। एसएल छोटे होंगे लेकिन दो पॉइंट लेके मत चलना, कभी दो पॉइंट लेके मत चलना, दो पॉइंट देखो, दो पॉइंट एक अनुभव की बात है, ये एक कोई खेल नहीं तो है। तो उसमें सर मिनिमम, वो तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया सर, ऑप्शन चार्ट में ऑब्जर्व किया कि उसमें मिनिमम 7 से 8 पॉइंट लगते हैं सर। आप मैं एक ही बात कहूंगा, ऑप्शन का चार्ट आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी चार्ट है आपका ये, आपका बेस और प्राइस एक्शन और आपके पॉइंट्स की बात कर रहा हूं सर। हां मैं पॉइंट की बात पे भी आ रहा हूं, तो पहली चीज आपकी यहां से तैयार हुई है, एसएल भी आपका यहां से तैयार होना चाहिए। दूसरी बात आती है ब्रैकेट प्ले पे, तो ब्रैकेट प्ले आप लगा रहे हो वो ऑप्शन के चार्ट पे आप लगा सकते हो, आपने एरिया तय कर लिया 5 okay, हाँ। मैं 5 पॉइंट दूंगा, आपने लगा दिया, प्राइस एक्शन फिर भी यही सुप्रीम रहेगा जी। अगर ये लेवल तोड़ गया और इस yes, इस फीबो की वैल्यू ही नहीं छोड़ी, तो फिर आप ये ब्रैकेट प्ले पे जीत क्यों करोगे, नहीं करोगे okay, छोड़ दो okay, वो थ्योरी okay, थ्योरी गलत हो गई है ना, थ्योरी गलत, यस ठीक है। एक बार मैं ये वीडियो अब अलग कर दूं, यस सर।